लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.6 दैट इज नंबर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट इज 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 5. फ्रेंड्स देखिए बेस सेम है दोनों के, 2 2, पावर्स डिफरेंट है. जब भी ऐसा होता है मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम होता था, तो हम क्या लिखते थे, ए की पावर एन प्लस एम लिखते थे. तो देखिए 2 की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 करी तो क्या हुआ, 2 की पावर 5, 3 15, एलसीएम आ गया. इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 5 टू जर 10 प्लस 3 अपॉन 15 तो क्या आया, 2 की पावर 13 अपॉन 15 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 1 अपॉन 3 की पावर 3 होल 7. जब भी देखिए ऐसे होता था, a की पावर n ब्रैकेट m, तो हम इसको लिख सकते थे a की पावर n m. तो ये क्या हो गई, 1 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 7, 3 21, और वी कैन से दैट 1 अपॉन 3 की पावर 21, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखिए आंसर 1 ही आएगा. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 11 की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 11 की पावर 1 अपॉन 4. फ्रेंड्स जब भी ऐसा होता था a की पावर n अपॉन a की पावर m, तो हम नीचे डिवाइड में माइनस हो जाती थी पावर, a की पावर n माइनस m हो जाती थी. तो देखिए 11 की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 तो क्या लिख सकते हैं हम, 11 की पावर 4 एलसीएम आया 2 और 4 का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं, देखिए मैंने 4 ही लिया या तो फिर 8 लेते. तो देखिए 2 2 4 माइनस 1 4 1 4 तो ये कितना आ गया, 11 की पावर 2 1 2 माइनस 1 अपॉन 4 तो ये कितना लिख सकते हैं हम, 11 की पावर 1 अपॉन 4 इज द आंसर. लेट्स टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 7 की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 8 की पावर 1 अपॉन 2. फ्रेंड्स कभी भी ऐसा होता है a की पावर n इंटू b की पावर n, तो हम क्या करते हैं ए बी की पावर n कर देते हैं. तो ए बी क्या हुआ, 7 इंटू 8 की पावर हाफ, तो 7 8 56 की पावर हाफ इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.